Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So today we are going to discuss question number 5th of exercise 13.1 NCERT. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है. वो ये कह रहे हैं अ क्यूबॉइड बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी उन्होंने हमें एज दी हुई है एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. एंड अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स, एक और कोई क्यूबॉइडिकल बॉक्स हमें दिया हुआ है जिसकी उन्होंने क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब उन्होंने हमें लेंथ कितनी दे दी, 12.5 सेंटीमीटर. गॉट इट. नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर वाइड, इसका मतलब उन्होंने ब्रेथ कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर. एंड 8 सेंटीमीटर हाई. तो हमें देखिए ब्रेथ दे दी है और हाइट दे दी है. क्लियर है. तो आपको क्यूब की भी साइड दी हुई है और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी हुई हैं. नाउ द क्वेश्चन इज विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा. तो सबसे पहले हमें यह बताना है किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा. नेक्स्ट विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा एंड बाय हाउ मच. तो इसका मतलब यह है कि पहले हमें दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और फिर कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा है एंड बाय हाउ मच. तो हम माइनस करके निकाल लेंगे किसका ज्यादा और कितना ज्यादा है. नेक्स्ट फिर वो पूछ रहे हैं ये बताइए कि दोनों में से टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, तो ये बताना है हमें. ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. एज ऑफ द क्यूब हमें दी हुई है एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर. आपको फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो फिर ये चैप्टर नहीं हो सकता है. तो 4 इंटू एच कितनी दी हुई है, 10, और 10 का स्क्वायर दैट मींस 100. सो द आंसर बिकम्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज सेंटीमीटर में दी हुई है. नाउ फॉर क्यूबॉइडिकल बॉक्स अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज व्हाट, 8 सेंटीमीटर. नाउ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, आपको पता ही है, 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी. जो स्टूडेंट्स ये पहली बार देख रहे हैं और उन्हें अगर फॉर्मूले नहीं पता या फिर ये नहीं पता कि किस तरीके से आता है, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने जो भी डेरिवेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो मैंने अपलोड कर दिया. पहले आप वो देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. तो 2 इंटू एच, हाइट कितनी दी हुई उन्होंने, 8, लेंथ कितनी है, 12.5, एंड ब्रेथ इज वॉट, 10 सेंटीमीटर. सो 8 टू जा 16, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 22.5, और जब आप मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है. अब उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच, बाय, तो देखो दोनों को पहले देखते हैं किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है. तो आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूब हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया बाय कितना. देखिए दोनों को माइनस करते हैं तो 400 माइनस 360, जब आप माइनस करेंगे आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, और कितना ज्यादा है,
40 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² 6 into a, a इज व्हाट 100, 6 into 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सो द आंसर बिकम्स 600 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस lh, ठीक है। 2 इंटू एल, लेंथ कितनी दी हुई है इसकी 12.5, इंटू ब्रेथ कितनी दी हुई है 10, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8, प्लस लेंथ कितनी दी हुई है 12.5 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 8, सो 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 80 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट 2 इंटू जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा 5, 10, कैरी 1, 2 एंड 3, 305। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये है कि इस बार टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूबॉइड का और क्यूब का कम है। और इस बार उन्होंने हमसे यही पूछा है कि विच हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो दोबारा से यहां पर क्या आएगा, क्यूब हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय, अगेन माइनस करना होगा 610 माइनस 600, आंसर विल बी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप के क्लियर हो गया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन।